ईमान वालो अल्लाह को बकसरत याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बी बयान किया करो अल्लाह सुबहान तयत में अहले ईमान को हुक्म दे रहे हैं कि वो उसकी हम तस्बीह तकबीर और के साथ कसरत से उसका जिक्र किया करे यानी उसको बहुत ज्यादा याद किया करे इबन अब्बास रज अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने हर फर्ज की कोई ना कोई हद मुकर फरमाई है यानी सुबह के दो फर्ज है शाम में तीन फर्ज है तो हर फर्ज की एक हद है रमजान के रोजे फर्ज है तो एक महीने के फर्ज है फिर उजर की हालत में वो भी माफ है यानी अगर इंसान को कोई हकीकी उज़र पेश हो तो उससे भी अल्लाह ताला दरगुजर करते हैं लेकिन न उसके जिक्र की कोई हद है और न वो किसी उजर से माफ होता है यानी अगर गफलत बरतो हाँ अकल या होश ना रहे तो और बात है अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नशा में फजकुर वनूब अल्लाह का जिक्र करो खड़े बैठे लेटे यानी हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो हमने ही खुद साख्ता पाबंदियां लगाई हुई है की इस कैफियत में जिक्र नहीं करना या लेट के नहीं करना जरूर बैठो या किबले की तरफ रुख करके बैठो या बावजू होके बैठो फिर ही जिक्र कर सकते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं हर हाल में अल्लाह का जिक्र कर सकते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है का नयकर आप अपने हर तरह के हालात में हर तरह के औकात में अल्लाह का जिक्र किया करते थे और यहाँ पर क्या फरमाया फरमाए सब बेहू बुकरला सुबह और शाम यानी दिन के पहले पहर और दिन के पिछले पहर अल्लाह की तस्बी करो क्यूँकि जब इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह तला की रहमतें आती है फरिश्ते भी अहले ईमान के लिए दुआएं करते हैं वो सल व वही है जो तुम पर सलाद भेजता है और उसके फरिश्ते भी तो यहाँ ईमान को खिताब है या आ मनु ए लोगो जो ईमान लाए हो इब्न मसूद कहते हैं कि जब इस आयत के साथ पुकारा जाए तो अपने कानों को उस हुक्म की तरफ लगा दे तवज्जो करे अल्लाह क्या कहना चाहते हैं उसको गौर से सुने या तो कोई खैर का काम होगा जिसका अल्लाह हुक्म दे रहा होगा या कोई शर होगा जिससे अल्लाह ताला तुम्हें रोक रहा होगा उससे मना कर रहा होगा तो यहाँ पर यादीना आमनु कह के क्या कहा गया उदकर जिक्रन कसीरा सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि जिक्रन कसीरा बहुत कसरत से अल्लाह को याद किया करो कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो यानी हर तरह के हालात में अल्लाह ही को याद किया करो और खास तौर पर तस्बीह, तहलील तहमीद तकबीर मुजाहिद कहते हैं ये वो कलिमात हैं जिन्हें पाक नापाक बेवजू और जुम्बी भी कह सकता है अगर कोई हालत जनाबत में है तो भी अल्लाह कहने में उसको कोई अर्ज नहीं अलहमद वो भी कह सकता है ऐसे अगर किसी को नहाने की जरूरत है और उसको थोड़ा टाइम है नहाने में किसी भी वजह से तो उस दौरान अगर वो पानी पीने लगा है तो बिसमिल्ला कह सकता है पानी पी चुका है तो अल्हदुल्ला कह सकता है इसी तरह अस्तखल्ला कह सकता है तो ये कलिमा हर हाल में कहे जा सकते हैं फिर तो दिल के अखलास के साथ जिक्र करना चाहिए यानी जिक्र कसर का माना किया गया वो जिक्र जो इखलास के साथ किया जाए यानी सिर्फ क्वांटिटी में ही ज्यादा ना हो बल्कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है दिल से किया गया कसीर का ऑपोजिट कलील होता है तो कलील जिक्र कौन सा है जो मुनाफिकीन करते हैं भलाय गुरु नलीला वो अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं यानी जबान से ऊपर ऊपर से कर देते हैं लेकिन दिल से नहीं करते और याद तो होती भी दिल में है याद किसी की भी दिल में होती है तो जबान पे आती है और दूसरे लफ्जों में कसीर के मुकाबले में कलील जिक्र क्या है कि इंसान बस सिर्फ सुबह शाम की असकार करे नमाजों के बाद असकार करे और मुख्तलिफ हालात में जैसे खाना खाया मखसूस अजगार जो है सिर्फ उनकी पाबंदी करे लेकिन जिक्र कसिर इसके बरक्स क्या है कि इंसान इन खास मौाक के अलावा भी हर हाल में अल्लाह को याद करता रहे अल्लाह की याद उसके दिल में ताजा रहे और ये एक ऐसा अमल है यानी एक ऐसी इबादत है कि इस पर अमल करने वाला आराम की हालत में भी लेटे हुए भी बैठे हुए भी चलते फिरते अल्लाह ताला को याद कर सकता है यानी बाकी काम करने के लिए जैसे नमाज है या कुरान है तो उसके लिए फिर आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है खाली सुबह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ने में तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं करनी सिर्फ जुबान हिलानी होती है और इंसान अगर इस चीज का आदि हो जाए अल्लाह के जिक्र का तो फिर उसकी जबान बुरी बातों से भी पाक रहती है और उसकी जबान से अच्छे अल्फाज ही निकलते हैं और ये जो हमने अपने ऊपर एक डिसिप्लिन के लिए पाबंदी लगाई थी कि, कि कम अज कम सौ दफा इस्ते दिन में करनी है कम अज कम सौ दफा सुमान अल्लाह पढ़ना ठीक है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सौ दफा गिनती पूरी होगी तब तो उसके बाद कोई पाबंदी लग गई आगे बस दरवाजा बंद है और इससे आगे नहीं जा सकते इतना तो मिनिमम करें ही यानी अपने आप को पाबंद करें क्योंकि जब इंसान किसी भी काम के लिए अपना टारगेट सेट कर लेता है ना कि आज दिन में ये काम मैंने इतनी दफा करना है या फुला और फुला काम आपकी टू डू लिस्ट होती है तो आप फिर उसको चेक करते रहते हैं कि हाँ ये 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 काम हो गए और अगर आपने कोई टारगेट नहीं सेट किया हुआ हाँ मैं करूंगी करूंगी तो फिर वो काम नहीं हो पाता तो इसलिए इंसान को अपने लिए टारगेट रखने चाहिए जितने भी आसानी से रख सके सौ दफा दो सौ दफा कुछ भी लेकिन उसके अलावा भी खुला भी जरूर पढ़ना चाहिए और यहाँ उसी की तरफ तोज्जो दिलाई गई है इमाम अबू उमर सलाह से पूछा गया कि जिक्र की वो कितनी मकदार है जिसको करने के बाद इंसान उन लोगों में शामिल हो जाए जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले है कुरान मजीद में, में आता ना व अल्लाहरात आदमीमा जो बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं मर्द है औरतें हैं, औरते हैं अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है और बख्शिश अता करेगा उसको वो फिर क्या है यानी कितना करे की कि हम ऐसे खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाए उन्होंने कहा कि अगर वो नबी सल अलाम से साबित शुदा अजकार पर हमेशगी करता है साबित शुदा यानी जो अप्रूवन है सुन्नत में मौजूद है तो वो उन लोगों में शुमार होगा जो मर्द औरतें अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं व सभ्य हो बुकर असीला और उसकी तस्वीर बयान करो सुबह और शाम तस्वीर का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात को उन तमाम सिफात और अफआल से पाक बयान करना जो उसके लिए जायज नहीं यानी अल्लाह को हर ऐब से पाक बयान करना अब देखिये शैतान जो है ना वो इंसान का दुश्मन है और शैतान इंसान के दिल में अल्लाह तला के बारे में कोई न कोई बदगुमानी डाल देता है कोई न कोई ऐसे ख्याल डाल देता है की जो इंसान की अकल नहीं भी मानती और उसको पसंद नहीं भी आते लेकिन वो ख्याल गुजर जाते हैं आते हैं और चले जाते हैं जिनको बसव से कहा जाता है और इसका शिकार हर इंसान होता किसी न किसी दर्जे पर सूरत काफ में अल्लाह ताला फरमाते हुआ ना तो नफ्सु और हम जानते हैं जो उसका नफ्स उसको वसव से डालता है इंसान के अंदर जो अंदर से उठते हैं या शैतान की डाली होती अब इसका तोड़ क्या हो क्या अब इंसान परेशान होकर बैठा रहे कुछ लोग बेहद परेशान रहते हैं कि हमें वसवसे आते हैं से हर एक को आते हैं लेकिन उनका पीछा नहीं करना चाहिए और उनको झटक देना चाहिए जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं। आपके कपड़ों पे गर्दो करते हैं झटक देते हैं बस वस को झटकते चले जाएं उनको ठहरने न दें दूसरा यह है कि अल्लाह सुबहान ताला की तस्वीर बयान करें कि अल्लाह ताला ये जो बुरे ख्याल आते हैं आप इन सबसे पाक हैं तो तस्वीर इसका इलाज है तस्बी इसका एंटीडोट है और फिर खास तौर पर व असीला पहले पहर और पिछले पहर दिन के इतदाई हिस्से में और दिन के पिछले हिस्से में बुकरा गलफ जो है यानी आमतौर पर ऊलमा इसको सूरज निकलने तक के वक्त को बुकरा कहते हैं इसको यूं डिफाइन किया गया और असीला जो है असर और मगरिब का दरमियानी वक्त है यानी कबला तुलू इशम सी वह कबल गुरूबिहा सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले का वक्त जो है ये अजगार का वक्त है और सब बहु में उलमा ने सब्बाह का मतलब यहाँ नमाज फजर और नमाज असर भी लिया है तो जिक्र के बाद तस्बीह को खास तौर पर अलग से बयान किया गया देखे आयत के पहले हिस्से में क्या है कसरा से जिक्र करो तस्बी उसके अंदर शामिल है लेकिन फिर उसको अलग से बयान किया गया वह सब बेहूहू यानि तस्बी करो इसलिए बाकी अजगार पर इसकी फजीलत है यानी तस्बी की खास फजीलत है यानी कुछ जिक्र होते हैं ना कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला को याद करता है अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है वो भी बहुत अच्छी बात है और कुछ जिक्र ऐसे हैं कि जिनमें इंसान अल्लाह ताला को हर ऐप से पाक करार देता है तो तारीफ मुकम्मल ही नहीं होती जिक्र मुकम्मल ही नहीं होता जब तक आप तस्बी ना करें तो तस्बी उसका एक लाजमी हिस्सा है और फिर खास पर इसलिए भी कि जैसे यानी सुबह शाम वक्त भी बता दिया गया कि तस्बीह का ज्यादा अच्छा वक्त जो है या मुनासिब वक्त सुबह और शाम है क्योंकि ये औकात अपने अंदर एक खास फजीलत रखते हैं सुबह का वक्त ये बरकत का वक्त है और वल असर असर के वक्त अल्लाह ने कसम खाई है उधर फजर की वल फजरी वलयाल नशर और इधर असर की वलअरी नहा पर इंसान को एक दिन मिल रहा होता है और असर के वक्त दिन हाथ से जा रहा होता है इंसान खसारे में पड़ रहा होता है लूज कर रहा होता है एक चीज हाथ से छुट रही होती है तो जिस वक्त कोई नेमत मिल रही है उस वक्त भी अल्लाह को याद करो जिस वक्त कोई नेमत जा रही है उस वक्त भी खास तौर पर अल्लाह को याद करो इन औकात में अगर इंसान अल्लाह ताला को याद करता है तो फिर डिप्रेशन का शिकार नहीं होता ये जिक्र उसके दिल को स्ट्रेंथन करता है उसको कुव्वत अता करता है और ये दो औकात जो होते हैं इनमें जिक्र थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि आप देखें कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो नींद का आपके ऊपर खासतौर पर रातें आजकल बहुत छोटी हैं तो उस वक्त अपने आप को रोक कर रखना और बिठा कर खास तौर पर अगर आपको इशराक पढ़ने की आदत है तो वो सारा वक्त यानी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि सोते जागते गुजार रहे होते हैं कि आप सोए नहीं इस वक्त क्योंकि बहुत ज्यादा बरकत का वक्त है यानी को मामूली अजर है कि पूरे हज और उमरे का स्वाब अगर इंसान फजर की नमाज पढ़ के अपनी जगह पे बैठा रहे और जिक्र जिक्रजगार करता रहे और फिर सूरज निकले और फिर दो हरकत पढ़ ले तो इतना ज्यादा अजर स्वबाब तो ये अजर स्वाब ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता अल्लाह तला को पता था कि ये वक्त बंदों पे कितना भारी होगा और इसी तरह असर का वक्त काम काज का वक्त होता है दिन जा रहा होता है इंसान अपने काम समेट रहा होता है जैसे खासतौर पर जो लोग जॉब्स पर होते हैं या बिजनेस में होते हैं तो वो आफ्टरनून में यानी फिर थकान का शिकार हो जाते हैं सारा दिन काम करने के बाद तो कुछ लोग उस वक्त आराम करने लगते हैं तो वो वक्त भी बड़ा कीमती वक्त है लेकिन याद रखिए कि इन अफजल औकात के अलावा सारा दिन भी और किसी भी वक्त जिक्र करना फजीलत है और अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है तो इबादत की कुछ खास शक्लें हैं और कुछ खास तरीके हैं और कुछ अमूमी चीजें हैं जो इंसान का हर वक्त इबादत में शामिल कर सकती है माखल जन्नाव अलसालाबुदून इमाम नबी कहते हैं कि इस आयत से पता चला कि बंदे की अफजल हालत वो है जब वो अपने रब का जिक्र कर रहा होता है और वो उन असक में मसरूफ होता है जो रसूल ला ला जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से यानी आपने बताए हैं या आपने किए हैं और इस तरह इंसान अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रहा होता है इसके अलावा हम देखते हैं की तमाम मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है तो सबावा सब सातों आसमान अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं कभी हमें ख्याल नहीं आया आसमान की तरफ देखते हुए कि ये तस्वीर कर रहा है हु? और ये नहीं सातों के सातों कर रहे हैं वल अर ये जमीन जिस पे हम चलते हैं जिस पे हम चीजें उगाते हैं और जिस पे घर बनाते हैं ये जमीन भी अल्लाह की तस्वीर बयान करती है वो मनफी हिन्ना और जो मखलूक इनके अंदर है आसमान और जमीन के बीच में या जमीन के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हर चीज बड़े बड़े ऑब्जेक्ट सभी तस्वीर करते चरिंद परिंद हैवान इंसान फिर फरमाया वह इम श्ला और कोई चीज़ नहीं मगर वो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बी करती है वला किला तब खह न तस्बी हाँ। लेकिन तुम उनकी तस्बी को समझते नहीं हो यानी उनकी अपनी जबाने उनकी अपनी बोलियां हैं इन न हलीम गफूरा बेशक वो हमेशा से बेहद बुरदबार नहाय बख्शने वाला है दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि उनके साथ परिंदे और पहाड़ तस्बीह किया करते थे मशक्खर न मादाऊदल जबाला यूसफ बेहना व तर हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को मुशर किया जो तस्वीर करते थे फरिश्ते तस्वीर करते हैं मलाय का तो यूसफ बेहू न बेहमदे फरिश्ते अपने रब की हम के साथ तस्वीर करते हैं और जमीन वालों के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं हामिलीन अरश जो है वो खास पर अल्लाह का जिक्र करते हैं इन सब में आप देखिए चाहे जमीन आसमान की हर चीज हो चाहे फरिश्ते हों चाहे पैगम्बर हो सबके साथ तस्बीह का लफ्ज आ रहा है कि तस्बीह करते हैं यानी खाली जिक्र नहीं आया बल्कि तस्बीह आया है तो इससे भी तस्बीह की फजीलत पता चलती है सुबह अल्लाह व अल्लाह तस्बीह बयान करना यानी अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक करार देना कि उसमें कोई नक्स नहीं कोई कमी नहीं वो परफेक्ट है कोई ऐब नहीं उसका कोई फैसला गलत नहीं उसका कोई हुक्म उसका दीन हर चीज सही है जो भी उसने बनाई है परफेक्ट बनाई है तो अल्लादीन अरशमन जो फरिश्ते हुए गिर्द सब अपने परवर की हम के साथ उसकी तस्वीर कर रहे हैं सारे के सारे तस्वीर करते हैं और जहां तक जिक्र का ताल्लुक है तो कुरान मजीद में जिक्र का लफ्ज भी आता है जिक्र तस्बी के अलावा जो भी जिक्र अल्लाह अकबर हो अलहमदल्ला हो लाला हो, ला 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 हो या और जो असकार हमें बताए गए हैं सुबह शाम के तो देखिये मोमिनों की जो मुख्तलिफ सिफात बयान हुई है उनमें सिर्फ जिक्र के साथ कसरत का लफ़्ज़ आया है। सूरत की आयत नंबर है ना इन मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानीना वलकानता विकात वीना वसाबिरात वलखाशीन वलखाशियात वलमतद्दी वल मुतद्दात वसाइमीना वसात वल हाफिजात फ्रूजा अल्लाह वह कसरत सारी सिफात अपनी जगह हैं। है कि वो मुसलमान है मोमिन है फरमा बरदार हैं सच्चे हैं सबर वाले हैं आजी करने वाले हैं सदका करने वाले हैं रोजादार हैं अपनी शर्मगाओं की हिफाजत करते हैं और अल्लाह का कसरत जिक्र करते हैं तो इससे भी अंदाजा लगाएं कि जिक्र की कितनी अहमियत है कि जिक्र में कसरत चाहिए बाकी चीजें तो अपने अपने वक्त पर होंगी लेकिन अल्लाह के पसंदीदा वो है जो जिक्र में कसरत करते हैं जैसा की सूरत अलीमरान में आता है अल्लान करून अल्लाह क्या वम व अला जुनूब जो अल्लाह को याद करते रहते हैं खड़े भी यानी कुछ काम हम खड़े होके करते हैं खड़े होके थक जाते हैं तो वन बैठ जाते हैं और फिर लेट जाते हैं तो चाहे खड़े हो चाहे बैठे हों चाहे लेटे हों वो जिक्र नहीं छोड़ते हर हाल में जिक्र करते रहते है ये उनकी से है यानी जिक्र के लिए सिर्फ कोई वक्त या जगह مخصوص नहीं है बल्कि हर हाल में और फिर जो इसका अजर है नबी वसल्लम फरमाया क्या मैं तुम्हें तुम्हारा बेहतरीन अमल ना बताऊं, जो तुम्हारे मालिक के नजदीक अच्छा और पाकिजा अमल है और तुम्हारे दर्जात में सबसे ज्यादा बुलंद है सोना चांदी के खर्च करने से बेहतर है अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए तुम्हारे कुफार की गर्दने मारने और उनके तुम्हारी गर्दने मारने से भी अफजल है साहबा ने अर्ज किया क्यूँ नहीं आपने फरमाया ताला का जिक्र यानी बाजू का तो इंसान सोचता है ना कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा लोग तो बड़े बड़े नेकी के काम कर जाते हैं इतने मालदार हैं वो इतना सद का खैरात करते खासतौर पर इंसान जब ऐसी चैरिटीज के बारे में सुनता है जो लोग बहुत आगे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं तो इंसान सोचता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए मैं तो इनके बराबर कभी आ ही नहीं सकता कुछ लोग हर साल हर जमरे पे चले जाते हैं इंसान सोचता है मैं तो ये भी नहीं कर सकता इसी तरह कुछ लोग और बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं खिदमत खल के बड़े काम कर रहे होते हैं आप कभी कभी पढ़ते हैं ना कि मखसूस शख्सियात के बारे में इसने इतने हजार लोगों को मुसलमान किया इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि हमने तो एक को भी नहीं शायद किया तो इसी तरह फला शख्स ने इतने सौ मस्जिदें अफ्रीका में बनवा दी कहते हमने क्या किया तो अपना बहुत ही छोटा लगता है भी छोटा ऐसा कुछ नहीं लेकिन उस वक्त क्या चीज इंसान को हौसला दिलाती है कि फिर अगर हमारे ये वसाइल नहीं है या हम ये नहीं कर सके खा हमारी तलब थी कि हम ये कर सके कुछ काम होते हैं जो इंसान के ड्रीम्स होते हैं काश मैं जिंदगी में ये कर लूं लेकिन फिर भी नहीं हालात इजाजत देते वसायल नहीं होते लेकिन जिक्र करके आप इन सारी चीजों से आगे निकल सकते हैं क्योंकि जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं उनके साथ बड़े खतरा भी होते हैं कि कभी किसी वक्त दिल में रियाकारी आ जाए किसी दिल में तकबर आ जाए लोग तारीफ कर करके दिमाग खराब कर दें तो जो चुपके से बैठ के कहीं ना कहीं अपने काम काज में लगा हुआ जिक्र कर रहा है उसका तो किसी को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है वो कितने खजाने जमा कर रहा है तो इसलिए जो चीज हमारे हाथ में है उसको तो ग्रैप करें उस अपॉर्चुनिटी को तो ना जाने दें उस वक्त को तो ना जाया करें उसमें तो हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया सही मुस्लिम में है सब अकल मुफर्रिदून कालू वमल मुफर्रदून असूल कालात अच्छा यहाँ नोट करें कि जिक्र करने वालों में औरतों के नाम भी साथ साथ हैं सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है औरतें भी इसमें शामिल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफरिदून सबकत ले गए आगे चले गए साबकून बन गए साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मुफर्रदून कौन है आपने फरमाया अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और औरतें और ये मुफर्रदून है जो अल्लाह के करीब हो गए तो जिक्र एक ऐसी चीज है की जो इंसान को अल्लाह का कुर बता करता है और भी बेशुमार फायदे हैं जहाँ तक सुबह शाम के असकार का ताल्लुक है तो सूरत गाफिर में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद है का बिल वल और सुबह और शाम अपने रब की हम के साथ उसकी तस्वीर डायरेक्ट हुक्म है जो पहले आयत मैंने आपको सुनवाई थी उसमें भी हुक्म है सुबह शाम का और यहाँ भी इबकार का लफ्सा है वहाँ बुकरा का आया यहाँ इबकार का लफज है अशी वल इबकार यानी रूट एक ही है लेकिन थोड़ा सा तब्दील हो गया सूरत कहा में भी आता है फसबिर अलाकुल वसबे बेहमद रबी काज वो कह रहे हैं और सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने रब की हमद के साथ तस्बी कीजिए तो तस्बी का खास वक्त जो है वैसे सारा दिन कर सकते है खास औकात ये बताए जा रहे हैं जो कुरान में खुद बता दिए गए और रात के कुछ औकात में भी पस उसकी तस्बी कीजिए रात के कुछ औकात में जैसे हजरत फातमा रजी अल्लाह तहा को नबी सल ने थकावट का इलाज क्या बताया था तस्बीहान तो अपना आखिरी काम तस्बी किया कीजिए नबी वसल्लम खुद भी यानी जब तक नींद नहीं आती थी तस्बी ही किया करते थे और रात के कुछ औकात में भी पस तस्बी कीजिए और दिन के किनारो में ताकि आप खुश हो जाए तो इससे क्या पता चलता है ये खुश होने का नुस्खा है खुश होने का राज है इसमें खुशी हासिल करने का जरिया है यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मुतम हो खुश हो तो आपको इन औकात में लाजमन तस्वीर करनी चाहिए और जो इन औकात में तस्वीर नहीं करते वो गाफिलीन में शुमार होते हैं क्यूँकी अल्लाह फरमाते हैं बिल वला और अपने रब का जिक्र कीजिए अपने दिल में आजी और खौफ से बगैर बुलंद आवाज किए चुपके चुपके दिल ही दिल में सुबह और शाम के वक्त और आप गाफिलों में से ना होना यानी जो इन औकात में तस्वीर नहीं करते जिक्र नहीं करते वो तो गाफिल शुमार होते हैं और तौर पर इस वक्त में जो थोड़ा सा भी किया जाता है, उसका अजर बहुत ज्यादा ने फरमाया जो लोग नमाज फजर से सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करें मुझे उनके साथ बैठे रहना ज्यादा पसंद है क्यूँकी नबी सलम को हुक्म दिया गया था ना वस बिर नफ्सा माजी नशीदू नो आप उन लोगों के साथ रहिए उनके साथ बैठिए जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और उनसे अपनी निगाहें न फेरिए आपने फरमाया मुझे उनके साथ बैठे रहना ज्यादा पसंद है बनस्बत इसके के मैं औलाद इसमाइल से चार गुलाम आजाद करूँ एक वो नेकी है और एक ऐसे लोगों की कंपनी में बैठना जो इस वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं और मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा रहूं जो नमाज असर से सूरज गुरुब होने तक अल्लाह का जिक्र करे ज्यादा पसंदीदा है, इससे के चार गुलाम आजाद करूं। तो नमाज असर के बाद का वक्त भी सिर्फ जुमे का दिन नहीं क्योंकि हम आमतौर पर जुमे के दिन फिर भी थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं लेकिन आम दिनों में हम उस वक्त को ध्यान नहीं करते ठीक है अगर उस वक्त में आपके कुछ मखसूस काम है घर के या वाक का वक्त है या कोई भी तो उस वक्त की बरकत की वजह से ये जिक्र का खास वक्त है और आपने ये भी देखा होगा कि परिंदे भी सुबह के वक्त सूर्य निकलने तक चहचहा रहे होते हैं और फिर उसके बाद जब चिड़िया अपने घोंसलों को जाती हैं और जो ही सूर्य गरुब हो जाता है तो खामोशी से सोने लगती है तो ये औकात भी यानी एक नेचुरल तस्बीह के औकात है और अभी आगे भी वो जिक्र आएगा तस्बीह आएगी जो आपने हजरत जुआरिया रजियाल तला को सिखाई थी वो भी इन्हीं औकात में पढ़ने की तस्बीह है और सुबह के वक्त जिक्र करने से शैतान की गिरहें खुल जाती है इंसान से जब इंसान सुबह के वक्त उठता है और फिर वजू करता है नमाज पढ़ लेता है जिक्र कर लेता है तो हशाश बशाश खुश मिजाज होता है बदह सुस्ती होती है उसको फिर इसी तरह यह है रसूल अल्लाह सल्म ने फरमाया बन आदम के हर इंसान को 360 जोड़ों पर पैदा किया गया है उसके जिसम में 360 जोड़ लगे हुए हैं पस जोशल अकबर अल्हमदल्ला सुबहान अल्लाह अस्त कहे लोगों के रास्ते से पत्थर या कांटा या हड्डी हटा दे या नेकी का हुक्म दे या बुराई से रोके तो ये उसके तीन सौ साठ जोड़ो के शुमार के बराबर है और वो उस दिन जब शाम करेगा तो अपने नफ्स को जहन्नम की आग से दूर कर लेगा यानी जो अपने जोड़ो का सदका रोजाना निकाल लेता है और यहाँ माली सदके के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ अजगार की बात हो रही है खास तौर पर या कुछ काम है जिससे दूसरों की तकलीफ हटाना मकसूद है तो इंसान अपने आप को जहन्नम की आग से आजाद कर लेता है इबन कहते हैं कि सुबह शाम की असकार अपने पढ़ने वालों के लिए इस कदर वसी अज़ीम फवायद और बरक़ पर मुश्तमिल है कि उनका अहाता नहीं किया जा सकता उनको बयान नहीं किया जा सकता उनमें से कुछ फायदे जैसे दिल और रूह की गजा है इन औकात के असकार इंसान के दिल कुछ शकीनत एक नसीब होती है ठहर जाता है दिल एक राहत महसूस होती है एक मसरत महसूस होती है फिर इसी तरह दुनिया और आखिरत में अमन और सलामती का जरिया है दुनिया और आखिरत में सलामती का जरिया है क्योंकि प्रोटेक्शन की दुआएं हैं उसमें हिफाजत की दुआएं हैं, फिर खैर बरकत के दरवाजे खोलने का सबब है फिर तो चौथी चीज़ है अजर सवाब के हसूल का जरिया है यानी बहुत ज्यादा अजर सवाब है इन औकात में असगार का फिर पांचवी चीज है शर के वाक होने से पहले यानी किसी तकलीफ के आने से पहले और वाक होने के बाद उसे हटाने का जरिया है वैसे भी नबी सल्लाम ने फरमाया ना दुआ उस मुसीबत में भी फायदा देती है जो वाक हो चुकी है और उसमें भी फायदा देती है जो अभी वाकई नहीं हुई जो अभी मुसीबत नहीं आई ए अल्लाह के बंदो दुआ को लाजि कर लो तो ये सुबह शाम की दुआएं ही हैं एक तरह से इनमें ज्यादातर फिर इन असकार में इंसान अल्लाह की नियमतों और मेहरबानियों का इतराफ करता है यानी सुबह शाम के असकार जो है ये अल्लाह की पैदर पैदों का एतराफ है जैसे सईदुलस्तार में कहते हैं ना अब अहमति का अलिया जो तेरी नियमते मुझ पर है मैं उनका इकरार करता हूँ एक्नोलेज करता हूँ अल्लाह तला की मेहरबानियों और उसके एहसान पर उसका शुक्र अदा करना है फिर सातवीं चीज़ यह है कि रब के सामने फखर और आजी का इजहार है कि मैं तो इससे बेनियाज नहीं हूँ तेरी ही प्रोटेक्शन चाहता हूँ तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ फिर आठवीं चीज़ यह के बंदे की इसलाह के असबाब में से है और खास तौर पर दिल की असलाह और दिल की असलाह हो नहीं सकती जब तक दिल में अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह की तजीम और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह तला के पावरफुल होने और उसके सारे जो असमाओं से बात है उन पर यकीन न हो उस वक्त तक अल्लाह की बड़ाई दिल में नहीं आती इब्न बास कहते हैं कि जो शख्स सुबह शाम के असकार पर हिफाजत करे सच्चाई ईमान और अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करते हुए ये असकार करे और ये दुआएं जिन माने पर दलालत करती हूँ उनके लिए इंसान का सीना खुला हुआ हो तो ये से जादू और दीगर मुसीबतों के वाक होने से पहले उनके शर् से बचाने का सबसे बड़ा सबब और तकलीफ वाक हो जाए तो उनको हटाने का भी सबसे बड़ा सबब है इन्हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बाद कोई तकदीर नाफिज होनी होती है तो इंसान भूल ही जाता है या सोया ही रह जाता है या कोई भी वजह बन जाती है और इंसान गाफिल हो जाता है और इतने में भुवाके हो जाती। भुवाकेब्न कईम कहते हैं कि दुआएं और तावुजात हथियार की तरह है हथियार है हथियार मारने वाले की काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक असर करता है सिर्फ तेज धार के साथ नहीं यानी आपके पास कैसी भी शो आपके पास कैसी भी गन्न हो लेकिन अगर आपको चलानी नहीं आती तो फायदा नहीं है जब हथियार कामिल हो और उसमें ऐब ना हो और वो बाजू ताकतवर हो जो हथियार चलाता है और रुकावट ना पाई जाती हो तो उस हथियार के साथ दुश्मन के लिए तासीर वाकई होगी और वो दुश्मन को बगा देगा जख्मी कर देगा अगर इन चीजों में से किसी में कोई कमी हो जाए तो तासीर भी कम हो जाएगी कौन कौन सी चीजें हथियार भी अच्छा ऐप भी ना हो और चलाना भी सही आता हो आपने आमतौर तो पर सुना होगा लोग कहते हैं कि हम खुद नहीं रुकिया कर सकते किसी राखी के पास जाने की क्या जरूरत है हम भी कर सकते हैं जरूर करो किसी ने मना तो नहीं किया लेकिन बाजात जो राखी होते हैं ना उनका जो यकीन होता है उनका जो अंदाज होता है उनकी जो आवाज होती है उसका असर ही कुछ और होता है चले रुकिए को आप छोड़े आम जो जबान में बात करते हैं मसलन एक शख्स कहता है इधर आओ बच्चे को कहता है इधर आओ वो सुनता ही नहीं कहता है इधर आओ तो वो डर के मारे आ जाता है हु? कहने वाले के कहने में बड़ा फर्क भी होता है और उसका असर भी फर्क होता है कुछ लोगों की बात लोग आसानी से मान जाते हैं और कुछ की तो बिल्कुल नहीं मानते हम सब जानते हैं घर में भी आमतौर पर देखा गया कि माँ की बात का असर और होता है बाप की बात का कुछ और होता है कभी वायस वर्षा भी होता है लेकिन यह है कि फर्क है एक बंदे के जिक्र करने और पढ़ने और जिन भूत को भगाने और दूसरे बंदे के भगाने में जो खुद ही जिनों भूतों से डरता हो वो भगाएगा कहाँ से है? तो जो ऐसा काम करने वाले होते हैं ना अल्लाह ने उनको खास सलाहियतें दी होती हैं और खास टेक्निक्स भी दी होती हैं और सुझाई होती हैं उनके दिल में डाली होती हैं बात वो किसी को नकल नहीं कर रहे होते वो जो उनके दिल में आता है उसके मुताबिक वो बयान करते जाते पढ़ते जाते हैं मरीज के हसबे हाल क्योंकि हर मरीज फर्क होता है उनका एक्सपीरियंस भी फर्क होता है कि क्या चीज फायदा देती है क्या नहीं देती जब तक आपके हथियार सही ना हो ना यानी कि आपके पास स्किल्स ना हो और आपको दिल मजबूत ना हो बहा ना हो साजा जी जैसे ना बच्चे आजकल नई टेक्निक से कोई भी हो तो कहेंगे आपको तो यूज करना नहीं आता आप खुदा करते हैं ना आपको यानी कि जीप्रेस करते हैं जब आपको वो चीज़ यूज करने आ जाती है तो आप खुद हावी हो जाते और इसी तरह ही जब आपको पता होता है कि आपने हथियार कैसे यूज करना है तो फिर आपकी पावर्स और किस्म की होती है और यही वो ताकत और वो पावर है जिससे आप ना शैतान को भगा सकते हैं और मैं कहती हूँ ना आज उमर रदिया यात्रा से क्यों शैतान डरता था सो उनके अंदर वो पावर्स थी बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल घर में अकेले होते हैं अंधेरा या कोई ऐसी चीज होती है तो इंसान के दिन में एकदम ख्याल आता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज ना हो तो आप ये कहकर और आंखें खोल लिया कर अच्छा क्या है? अगर को होगी तो क्या होगा सर जी आपने एक दफा बताया था ना कि जरा सी थोड़ी आवाज़ के साथ डांटा जाए तो फिर डर खुद निकल जाता है तो दो तीन दफा इस तरह से हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह जरा सी आवाज़ शोर करके कि हमारा घर है हम रहते हैं जो भी मखलूक है तंग ना करे मतलब अपने आप को ज्यादा बारोब बना के और डर निकाल के उनको डराना चाहिए बिल्कुल तो अलहमदिला उस सफर पर वो मतिन हाशमी साहब होते थे कराची में शायद आपके होते हुए भी लेक्चर देने आए उन्होंने ऐसी बहुत सी टेक्निक बताई थी वो जिन्नात का इलाज करते थे और उनकी आवाज भी इतनी ठहरी हुई थी कोई गुस्सा भी नहीं करते थे कुछ नहीं तो वो कहते थे कि जहाँ कोई ऐसा मसला हो तो मैं जाके कहता हूँ कि देखिये हम अशरफ उलमखलूकत है हम इंसान है और आपका कोई हक नहीं आ रहने का मैं आपको हुक्म देता हूँ यहाँ से चले जाए और वो चले जाते थे दो तो बहरहाल ये ताबूजात जो है और सुबह शाम के असकार जो है या तो शर के असबाब को वाक होने से रोक देते हैं या फिर वो उनके दरमियान और उनकी कामिल तासीर के दरमियान रुकावट बन जाती है असबाब और असर के बीच में रुकावट बन यानी वो चीज आ तो रही होती है मगर उसका असर जल्द खत्म हो जाती है और जितना ताबुज कभी होगा उतना ही असर भी कभी होगा दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है इबन उसे कहते हैं दुआ तकदीर को टाल देती है सुबह शाम के असगार दुआओं और ताबजात का एक मजमु है और दुआ तकदीर को टालती है और अल्लाह कभी तकदीर का फैसला सादिर करता है और उसके लिए एक सबब मुकर करता है सबब मुकर्र करता है यानी तकदीर नाफिज होने के लिए एक वजह जरिया जो उस तकदीर के आगे रुकावट बन जाती है ठीक है तो दुआ भी उन्हीं इसबाब में से एक सबब यानी तकदीर भी अल्लाह ने बनाया वो उतर रही है तकदीर और उसको हटाने का सबब भी अल्लाह ने बनाया और वो इस्बाब में से एक सबब क्या है ये दुआएं यानी वो आती है और दुआएं उसको पीछे धकेल देती हैं अल्लाह ने यानी सिर्फ तकदीर नहीं बनाई अल्लाह ने उसको टालने का जरिया भी बनाया है इसबाब भी बनाया और दुआ उनमें से एक सबब है सिंपल से इमाम नब कहते हैं दुआ मुसीबत को हटाने और रहमत को पाने का एक सबब है यानी एक हथियार है पहले बात हुई ना कि हथियार है दुआ जैसे ढाल हथियार के हमले को रोकने का सबब है जैसे ढाल तलवार के हमले को रोकने का सबब है और पानी जमीन से नबातात उगाने का सबब है बारिश होती है तो जमीन हरी भरी हो जाती है सबब है न जमीन के अंदर पोटेंशियल था लेकिन जब तक पानी नहीं आया तो वो दबी रही जब पानी आया तो उसने अपने अंदर का सब बाहर निकाल दिया अब्न कय्यम कहते हैं एक दफा शेख इस्लाम इबन त के पास में मौजूद था उन्होंने सुबह की नमाज पढ़ी फिर वो बैठ कर अल्लाह की इबादत करते रहे और जिक्र करते रहे तकरीबन आधा दिन गुजर गया मेरी तरफ देखा और कहा यह मेरा नाश्ता है अगर मैं ये गिजा न खाऊं तो मेरी कुब्बत साकित हो जाए कुछ कर न सकूं आपको पता पैंतीस जिल्दों में उन्होंने लिखा है बतावा उनके पतावा को इकट्ठा किया गया एक पूरी शेल्फ भर जाती है बल्कि उससे भी बच जाती किताबें दूसरी शेल्फ में रखनी पड़ती तो हम सोचिए कि इतने बड़े बड़े काम लोग किस तरह कर जाते थे अल्लाह की मदद के साथ और अल्लाह की मदद अल्लाह के के जिक्र साथ आती और खास तौर पर फजर के बाद सोने को जो नापसंद करना क्योंकि वो बरकत का वक्त होता था तो कईम कहते हैं सलफ के नजदीक ये बात नापसंदीदा और मकरू थी कि सुबह की नमाज से लेकर सूरज के तुलू होने तक इंसान सोए ये गनीमत का वक्त है सूर्य निकल आए फिर अपना काम काज करके अगर आप दोबारा रेस्ट करना चाहें क्योंकि रातें छोटी हैं तो फिर और बात है ये वक्त नाजिल होने का और रिस्क बांटने का वक्त है इसमें बरकत नाजिल होती है अब इसके बाद है सुबह शाम की के असकार के आदाब जो है वो क्या है सबसे पहली बात यह की जबान और हजूर कल्ब के साथ दिल और जबान की हाजिरी के साथ जिक्र किया जाए जब ये दोनों चीजें मुतहद हो जाती है और अजकार करने वाला सच्चाई यकीन और अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करते हुए इनके मानी में गौर और करते हुए पढ़ता है तो ये पढ़ने वाले को फायदा देती है उस पढ़ने वाले की हिफाजत होती है उससे मुसीबतें दूर होती इबनिकयम कहते हैं तमाम अजकार से अफजल और ज्यादा मुफीद वो जिक्र है जिसमे जबान और दिल साथ हो जो बोल रहे हैं वो आपका दिल समझ भी रहा है और उसके मुआफिक हों और वो नब अजकार से हो यानी सुन्नत से साबित हो और जिक्र करने वाला मानी और मकसद समझता हो फिर इसी तरह इन असकार का वक्त जो है तुलुए फजर से पहले शुरू हो जाता है और तुलुए शम से पहले तक रहता है वही तो जू ही अजान होती है ना फजर की उस वक्त से शुरू हो जाता है सूर्य निकलने तक और शाम के असकार का वक्त असर के बाद से लेकर रात के अव्वल हिस्से तक होता है मगरब के वक्त तक अगर किसी से ये औकात रह जाए उनसे महरूम हो जाए भूल गया या कोई रुकावट बन गई तो कोई हरज नहीं सुबह के वक्त खत्म होने तक पढ़ ले और शाम के अजकार रात के इतिहाई हिस्से तक पढ़ ले। लेकिन ये रुखसत है असल वक्त इनका सूर्य निकलने से पहले और गरूब होने से पहले का ये बास कहते हैं सुन्नत यह है कि सुबह और शाम के अजकार और दुआओं को उनके वक्त में अदा करने की हिफाजत की जाए जब उनका वक्त खत्म हो जाता है तो वो सवाब भी उनके वक्त के साथ खत्म हो जाता है जो उस वक्त से मुतल था अब सुबह शाम के अजकार में सबसे पहला जिक्र आयतुल कुर्सी का है आयतल कुर्सी क्या है अल्लाह अल्लाह क्यूम आखिर तक सुबह शाम आयतल कुर्सी पढ़ने से हिफाजत मिलती है इन हदीस से भी साबित है खासतौर पर जिन्नात के असर से बचाव होता है आयतल कुर्सी में आप देखे अल्लाह सुबहान तला का तारुफ़ है उसके असमाव उस सिफात है कुरान करीम की कोई और आयत ऐसी नहीं जिसमे अल्लाह तला के इतने नाम और सिफात बयान हुई हो इसमें अल्लाह का जतीी नाम अल्लाह भी आया और तकरीबन सत्ताईस सिफात और अफाल वगैरह आए हैं सबसे पहले अल्लाह ताला की उलोहियत का जिक्र है अल्लाह लाला ला कि वो उलोहीत में अकेला फिर अल्लाह क्यूम और ये दोनों नाम इनको उस्मायजम भी कहा गया है हाई जिंदा है, है नहीं। उसको कभी मौत नहीं आई कमाल सफात में से और कयूम कायम रखने वाला कमाल अफवाल में से बाज लोग ये सवाल करते हैं ना कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है तो अल्लाह सुबहाना की कोई बिगिनिंग नहीं है जैसे हमारी बिगिनिंग है और हमारे एकेण है नहीं अल्लाह कैसे नहीं उसमे आप देखिए कि टाइम का क्रिएटर अल्लाह है तो जब टाइम ही नहीं था तब भी अल्लाह ये महीने और साल किसने बनाए? और इनकी निशानदेही तो एक वक्त था कि सूरज नहीं था दिन और रात नहीं थे, महीने और साल नहीं थे अल्लाह सब भी मौजूद था वल अव्वल वही अव्वल है वल आखिर वो ज़ाहिर वल बातिन तो इसलिए अल्लाह से तआला को पहचानना जरूरी है उसको जानना जरूरी है और इस पहचान और जान के साथ अगर आप फिर जिक्र करते हैं तो उसका असर ही कुछ और होता है आयतुल कुर्सी बहुत पावरफुल आयत है उसके पावर की वजह क्या है उसमें अल्लाह तला के नाम और सिफात में आता वाओ न तुम ला ना ना उसको नींद आती है ना ऊंघ आती हल्की नींद भी नहीं आती गहरी नींद आती ही नहीं है फिर हर चीज का मालिक है लहू मा, मा, मा फिल हर चीज उसी की है हर चीज उसी के कंट्रोल में है इल्ला मंदअल कोई उसके यहाँ सिफारिश भी नहीं कर सकता उसकी जरूरत भी नहीं कर सकता मगर जिसको वो खुद इजाजत दे यानी पूरा पूरा कंट्रोल सब उसी का है मा इसमें अल्लाह के वसी इल्म की खबर दी गई है अल्लाह तला बंदों का वाजी मुस्तकबिल हर चीज जानता है बंदे अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते और जो जानते हैं वो भी उनको याद नहीं होता पिछले दिनों किसी ने एक नोट भेजा उसमें लिखा कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो उस वक्त अलहुदानी बना था तो मैं एक दिन आपकी क्लास अटेंड करने के लिए गई तो आपने सुनाबी दाऊद में से फिलान चैप्टर पढ़ाया और आपसे स्टूडेंट ने ये सवाल किया और आप पेपर दे के उनके ऊपर डिस्कस करें मेरे किसी हाफजे में है ही नहीं कुछ मुझे बिल्कुल याद नहीं कि एक स्टूडेंट ने आपसे ये सवाल किया था और आपने उसका ये जवाब दिया था कुछ भी याद नहीं हमारा अपने बारे में ये हाल है कि हम अपने आप को नहीं जानते हम जो कुछ कर चुके हैं हम नहीं जानते कि हमने जिंदगी में क्या कुछ किया हम किसी और के बारे में तो क्या जाने लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है या फ्यूचर में उनके आगे आ रहा है खल्फ हम जो पीछे गुजर चुका है सब पता है उसको ये उसके वसी इल्म की एक झलक है बाकी हर चीज के बारे में जो कुछ वो जानता है वो तो कोई एक पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको जानता है खुशकी में समुन्दर में आसमानों में जमीन में किसी पत्थर के अंदर एक दाना भी छुपा हुआ तो मिसकाल फिर समाला और जो उसका इल्म है उसमें से कोई उसके अहता ही नहीं कर सकता मगर जितना वो चाहता है यानी उसके इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा इंसानों को मिला जैसे खजर मुसलम के वाक्य में आता है ना कि वो जब कश्ती में बैठे तो एक चिड़िया ने पानी की चोच में लिया था बंदों का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसा ही जैसे चिड़िया के चोच में पानी समुंदर के मुकाबले तो सारी मखलूक का इल्म इतना सा है बस उस पर तो फिर हम भरोसा करते हैं उस इल्म के ऊपर हम फखर करते हैं और जो अल्लाह का इल्म है उसकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की वैसे कुर्सी युवा अल्लाह की अजमत के साथ साथ उसकी मखलूक की अजमत को बयान किया गया यहाँ कुर्सी जो अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक है वो वसमानो जमीन पे छाई हुई है हर चीज को किए हुए तो जो उसका बनाने वाला है उसकी अजमत क्या होगी और कुर्सी जो है वो रब के दोनों कदमों की जगह है मुझे ख्याल आ रहा था कि अल्लाह सुबह तला के बारे में अल्लाह अल्ला के भेजे हुए इल्म से इस्तेफादा करना ये कितनी ज्यादा एक ऑनर्ड चीज है तो हम खुद भी इस ऑनर को ऑनर नहीं करते क्योंकि आप देखे कि कोई समर से या कोई पिछले साल से आप किसी से मिलते ना कहते अच्छा हम ये फिलहाल यूनिवर्सिटी का या ऑनलाइन कोर्स किया या हमने ये किया या हम यो किया तो आप क्या करें नहीं हम तो बस ये लिसनर बन के यहाँ क्लास अटेंड कर रहे होते वी डोंट इवन ऑनर दिस नॉलेज दैट हज कम फ्रॉम अल्लाह सब कम्पेयर टू के एक छोटा सा कोई सर्टिफिकेट कोर्स कोई टेक का कोई कुछ कर दिया ठीक है वो भी उनमें नाफे होगा लेकिन उसका फायदा सामने नजर आ रहा है ना इसका फायदा जमा हो रहा है अभी नजर नहीं आ रहा जी तो बस ये हमारी वीकनेस होती है कि जो चीज हमें नजर आती है हम उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं बनिस्बत उसके के जो नजर नहीं आती है। जी पढ़ने और ना पढ़ने में भी बहुत फर्क नजर आता है कि जिस दिन नहीं पढ़ते जिस दिन नहीं अटेंड करते ऑनलाइन होते हैं और ऑन कैंपस होते हैं उसका भी बहुत फर्क नजर आता है आपको रोशनी ऐसी मिलती है और जिस दिन आप नहीं पढ़ते उस दिन आपको अंधेरा सा सुस्ती सी एंड देर सो मेनी थिंग्स आई कैन ठेल सूरज निकलने वाला दिन और बादलों वाला दिन होता है बिल्कुल ऐसा होते तो दोनों दिन वाला और उन दोनों की हिफाजत अल्लाह ताला को थकाती नहीं बोझल नहीं करती यानी आसमानों और जमीन की हिफाजत और उनके अंदर जो कुछ है वो अल्लाह सुबहाना के कामिल कंट्रोल और इकतदार में है और वो उनमें से हर चीज की टेक केयर करता है देखिये हम अपनी कैपेसिटी में सब बात समझने के लिए एक छोटा सा भी काम हमारे जिम्मे होता है ना घर का एक छोटा सा काम तो वो भी करके थक जाते हैं कौन सा काम ऐसा है जिसे आप करके थके ना हो न क्लीनिंग है या कुकिंग है कुछ भी है कोई भी जिंदगी में काम होते हैं बच्चों की टेक केयर करना है पढ़ना है हर काम करके हमें रेस्ट चाहिए होता है हमें थकावट हो जाती यहाँ अल्लाह तला वलाऊदू हिफ्स हुआ आसमान हो जमीने हो जो भी हो उनकी हिफाजत उनके अंदर क्या सिस्टम चल रहे हैं क्या करना है कैसे करना है ये चीज उसको थकाती नहीं बोझल भी नहीं करती चले बाजू का फिजिकल थकावट नहीं होती है जिसमानी थकावट नहीं होती लेकिन हम मेंटली थक जाते हैं यानी उकताहट शुरू हो जाती है हमें एक काम अगर रोज करना शुरू कर दे तो हम बोर हो जाते हैं चंद साल कोई काम कर ले तो उससे भी हम थक जाते हैं चाहे कितना ही अच्छा काम हो अल्लाह सुबहान तला को यानी ये या उर्दू कलब सिर्फ थकावट के लिए नहीं आता बोझलपन के लिए भी आता ये उकताहट या कुछ वो भी लाहक नहीं होती ये मामूली बात नहीं है बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात मजीद में, में आता है की अल्लाह तला ही आसमान और जमीन को थामे हुए है कि अपनी जगह से टल ना जाए अगर वो दोनों टल जाए तो उनके बाद कोई भी उनको थाम ना सकेगा यानी सिर्फ उसने बना के छोड़ नहीं दिया अब यह आसमान जो बगैर सतूनों के है किसी ने थामा हुआ तो हमारे ऊपर है ना वनों तो नीचे आ पड़े वहूल अलीम और वो बहुत बुलंद मुतल बुलंदी है उसकी और अजीम बहुत अजमत वाला है कोई मखलूक में उसके मुशाबे नहीं किसी की वो बड़ाई नहीं लेकिन अफसोस ये क्या मखलूक को फिर बड़ा समझते है और उसकी बढ़ाई महसूस नहीं करते कि वो बड़ा है जिस दिन ये यकीन आ गया ना कि वो बड़ा है तो फिर लोगों की नाराजगी लोगों की पसंद नापसंद का खौफ ये सारी चीजें निकल जाएंगी फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना भी आसान होगा कि अल्लाह बड़ा है ना अल्लाह मेरे शोहर से भी बड़ा है अल्लाह मेरे बहन भाइयों से बड़ा अल्लाह इस सोसाइटी से भी बड़ा है अल्लाह अल्ला सारे फिलासफर से और सारे कानूनदानों से और सारे साइंटिस्ट सबसे बड़ा है तो उसका हुक्म भी सबसे बड़ा है मेरे लिए फिर आपको कोई भी उसका हुक्म मानने में मुश्किल लगेगी नहीं तो बहरहाल आज इतना ही करते हैं इनशाला तला अभी बहुत सी दुआएं और भी हैं सुबह शाम के अस्कार में से फिर कल इनशाला इसके ऊपर बात करेंगे वाखर दावान रबीन सुबहानकमद अशद अल्लाह अल्लाह अंत अस्तफर का अतूब अलैक असल वरहमत लाही वरकू